ऐसे बालों की इच्छा दोस्तों सभी की होती है, पर सबके नसीब में इस टाइप के बाल नहीं होते हैं। कई लोगों के उम्र से पहले ही बाल झड़ जाने के कारण कुछ इस टाइप का लुक आता है। पर क्या आप जानते हैं ये भाई और ये भाई दोनों ही एक ही बंदे हैं? जी हाँ, पहले भाई साहब का जो है कुछ इस टाइप का हेयर फॉल हो चुका था, बाल पूरे सामने से झड़ चुके थे, बहुत ही एजेड दिखना शुरू कर चुके थे। फिर उन्होंने हमसे कॉन्टेक्ट किया, अपने स्कैल्प पिक्चर्स हमको भेजे, अपने बॉल्ड एरिया टोन एरिया की पिक्स भेजी, जिससे जो है हमने इनको सही गाइडेंस दिया और इनका फाइनली हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बाद वर्तमान समय कुछ इस टाइप का रिजल्ट आया हुआ है। आज की जर्नी में इस भाई की जो है पूरी की स्टडी आपको शो करूंगा शुरू से लेकर एंड तक, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। यार भाई, आप लोग लाइक करते हो तो एक मोटिवेशन मिलता है। इतने सालों से हम वीडियोस बना रहे हैं, आपको और हमारा कहीं ना कहीं रिश्ता बन चुका है, तो जब आप लाइक करते हो लगता है कोई कनेक्शन फील होता है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट ये किस टाइप के थे, आइए कैंडिडेट मीटर की तरफ आपको लेकर चलते हैं और देखते हैं कि एज अ हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट ये किस टाइप के थे। अगर हम इनकी हेड साइज की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इनकी हेड साइज में बहुत बड़ा भी नहीं था, बहुत छोटा नहीं था, एक अबव एवरेज के आसपास जो है इनका हेड साइज था, एरिया काफी इनका बड़ा था। और उसी के साथ साथ अगर हम टोनर एरिया की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं गजब का डोनर था। मींस आप देख सकते हैं चौड़ाई देखिए डोनर की, अगर आपकी इस टाइप की चौड़ाई है तो आपका 7th ग्रेड का भी अगर हो तो जबरदस्त रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो। चौड़ाई बहुत मैटर करता है दोस्तों टोनर एरिया में। चौड़ाई का मतलब होता है कि ज्यादा से ज्यादा ग्राफ्ट का एक्सट्रैक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल भरा भरा डोनर ऐसा होना चाहिए। इस टाइप के लोग बहुत ही गिफ्टेड होते हैं। 7th ग्रेड के केस में भी इनका ऑलमोस्ट देखिए अब 6th ग्रेड प्लस हो चुका है, उसके बावजूद भी इतना डोनर है। दैट मींस ये इनिशियल फेज में ही दिख रहा है कि इनका रिजल्ट अगर अच्छे से किया जाए ट्रांसप्लांटेशन तो बहुत ही जबरदस्त हेयर ट्रांसप्लांटेशन रिजल्ट ये उम्मीद कर सकते हैं। अगर टोनर डेंसिटी की बात कर सकते हैं, टोनर डेंसिटी भी काफी हद तक डिसेंट दिख रही है, मतलब अच्छा है। उसी के साथ साथ अगर हम ग्राफ्ट क्वालिटी की बात करें तो अबव एवरेज दिख रहा है, मतलब ये भी अच्छा है, गुड है। उसी के साथ साथ अगर हम हेयर क्वालिटी की बात करें, ये भी अबव एवरेज यानी गुड के आसपास ही दिख रहा है। बालों की क्वालिटी अच्छी लग रही है। ओवरऑल दोस्तों अगर एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेड कैंडिडेट इनको हम जज करें तो ये जो जबरदस्त हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट है, इस टाइप के लोग बहुत ही अच्छा हेयर ट्रांसप्लांटेशन की अपनी उम्मीद रख सकते हैं। हमेशा से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूँ कि आप भी अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं कि आप एज अ हेयर ट्रांसप्लांटेशन कैंडिडेट कैसे हैं, तो अपनी बॉल्ड एरिया और टोन एरिया की पिक्स हमें जरूर व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। आप एज अ हेयर ट्रांसप्लांट कैंडिडेट कैसे हैं, आप कैसा रिजल्ट की उम्मीद रख सकते हैं, ये आपको अगर अपने बारे में पता हो तो आप जो अगर कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली आप जो है एक प्लस पॉइंट लेकर जाएंगे कि आपको नॉलेज होगा अपने बारे में, जिससे आपके साथ फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। मेक श्योर कीजिएगा जब भी आप अपने टोन एरिया की पिक्स भेजें तो कुछ इस टाइप से खींच कर भेजें ताकि हम उसको सही तरीके से एग्जामिन कर पाएं। तो इनके बॉल्ड एरिया में कुछ इस टाइप की जो है सर्जरी की गई। इनका ऑलमोस्ट 6th ग्रेड का एरिया पूरी तरीके से अफेक्टेड था। क्राउन एरिया भी अच्छी तरीके से इनका हेयर ट्रांसप्लांटेशन में डेंसिटी दी गई है। ऑलरेडी इनके क्राउन एरिया में बाल हैं जो कि समय के साथ साथ जब मेडिसिन वगैरह मिलेगा तो वो एग्जिस्टिंग हेयर्स भी डेवलप होंगे, तो इनकी डेंसिटी में और भी ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। वो एग्जिस्टिंग हेयर्स जो है एक फिलर के रूप में और भी हेल्प करेगा इनकी डेंसिटी को इंक्रीज करने में। बहुत अच्छी तरीके से इनकी सर्जरी की गई है, आप देख सकते हैं 4000 के आसपास जो है ग्राफ्ट इनके फ्रंटल पार्ट में अच्छी डेंसिटी में लगाया गया है। अगर आप वर्तमान समय इनके 7 महीने के आसपास का इनका रिजल्ट है आप देखें तो जबरदस्त हेयर ट्रांसप्लांटेशन का रिजल्ट आया हुआ है। आप देख सकते हैं लग ही नहीं रहा कि इनका कहीं से भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। हाई डेंसिटी में हेयर ट्रांसप्लांट बिफोर की कंडीशन देखिए, बिफोर बिल्कुल बाल नहीं थे। नॉर्मली इस टाइप की कंडीशन में लोग जो हेयर पैच के लिए जाना शुरू कर देते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर आपका डोनर है तो आपको हेयर पैच की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने नेचुरली बाल जिसको आप शेव कर सकते हैं, कंघी कर सकते हैं, पहन के यू नो आप सो सकते हैं, उसको पहनने की या फिर बार बार टेप लगाने की या ग्लू लगाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी साइड जो है अपनी कंघी कर सकते हैं, ये बालों को आप बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, सारी फ्रीडम आपके लिए मौजूद है अगर आप इस टाइप के डोनर के मालिक हैं और आपका बॉल्ड एरिया इतना बड़ा है तो भी। बस आपको एक सही क्लिनिक चूज करना है, एक बढ़िया हेयर ट्रांसप्लांटेशन आपको कराना पड़ेगा। पहले इनके स्कैल्प में आप देख सकते हैं जो बेजान बाल हैं वो पूरी तरीके से जो है मिनिचराइज्ड कंडीशन में है, तो इनको बिल्कुल भी ट्रीटमेंट देकर थोड़ा बहुत हो सकता है ये इंप्रूव हुए हो, लेकिन पर्टिकुलरली इनके स्कैल्प में जो अभी आपको दिख रहा है कि पूरे के पूरे जो है ट्रांसप्लांटेड बालों का रिजल्ट है। थोड़ा बहुत एग्जिस्टिंग हेयर्स में जो है दवाइयां वगैरह मिली होंगी जो डीएचटी ब्लॉकर के कारण, उससे ग्रोथ के कारण इतनी हाई डेंसिटी और दिखना चालू हो चुका है। अब हेयर ट्रांसप्लांट के पहले भी आपको ट्रीटमेंट लेना ही है हेयर फॉल के लिए, और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी आपको ट्रीटमेंट लेना है अपने एग्जिस्टिंग हेयर्स को बचाने के लिए। तो स्मार्ट डिसीजन इस टाइप के केस में ये होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी तरीके से करा लो, उसके बाद वर्थ आपका जो भी एग्जिस्टिंग हेयर्स है उनको बचाने की ट्रीटमेंट आप
चालू रखो, इससे आपकी डेंसिटी मेंटेन रहेगी, लाइफ क्वालिटी इंप्रूव होगी और आप यू नो जो बॉल्डनेस का जो एक ट्रैप है उसको तोड़ के अपनी लाइफ बहुत कॉन्फिडेंटली जीना शुरू कर दोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आप भी हेयर ट्रांसप्लांटेशन के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी बॉल्डी या टोनर की पिक्स हमें जरूर भेज सकते हैं। जितना भी हेल्प हमारे चैनल के माध्यम से किया जा सकता है हम जरूर करेंगे। विगत पिछले 6-7 सालों में हमने हजारों लोगों का हमारे चैनल के माध्यम से हेयर ट्रांसप्लांटेशन हुआ है और बहुत कॉन्फिडेंटली वो अपनी लाइफ जी रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और समय आ गया दोस्तों आप लोगों से विदा लेने का, लेकिन बहुत जल्दी मिलेंगे आपको एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।